हेलो फ्रेंड्स, मैं एवरेस्ट कॉरपोरेशन से इरफान। ये सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है 2+1। इस मशीन को किस तरह इंस्टॉल करते हैं हम आपको बताएंगे। इसमें कई एसेसरीज होती है, उसको किस तरह लगाते हैं, उसको किस तरह स्टार्ट करते हैं हम आपको सिखाएंगे। इसकी विशेषताएं क्या है, इसको किस तरह ऑपरेट करते हैं, यूज़ करते हैं, ये भी हम आपको सिखाएंगे। वीडियो एंड तक देखिए, आपकी जानकारी बढ़ेगी। इसमें से सारी एसेसरीज है, इसको किस तरह इसमें फिटिंग करते हैं। पहले ये डिस्चार्ज वाल है जहाँ से आइसक्रीम डिस्पेंस होता है। इसको इस तरह लगाना है। इसमें चार बोल्ट लगेंगे, प्लास्टिक के बोल्ट लगेंगे इसमें चार। उन चारों बोल्ट को बारी बारी करके आप टाइट कीजिए, एक साथ सब मत कर दीजिए, नहीं तो लीक होने की पॉसिबिलिटी है। चारों को बारी बारी कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। ज़्यादा बोल्ट टाइट भी मत कीजिए, ज़्यादा बोल्ट टाइट करने से रबर की सीलिंग ख़राब हो सकती है और इसमें डिस्चार्ज वाल्व में क्रैक भी आ सकती है, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा। इस तरह चारों को बारी बारी टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद ये छोटी मोटी टूल्स है जो मशीन के साथ में आपको मिलेंगे, एलन की है, ये सब चीज़ें। और ये कौन होल्डर है, और ये छोटे मोटे स्पेयर्स है। एक्स्ट्रा आपको बोल्ट दिया गया है साथ में, ये बोल्ट कभी टूट गया तो आपको काम में आ सकता है। और ये छोटी मोटी ओरिंग है, रबर के पैकिंग है जो बीटर के पीछे लगते हैं ताकि ऑयल और आइसक्रीम मिक्स ना हो जाए, इसलिए हर एक सॉफ्टी मशीन में ये लगा होता है। ये भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं, तो इसको आप ज़रूर लगाए, नहीं लगे हो तो, और अगर लगे हो और एक्स्ट्रा है तो उसको आप संभाल के रखिए, इन फ्यूचर आपको काम आ सकते हैं। ये स्विच है ऑन ऑफ के लिए, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। चारों को एक बार देख लीजिए, पूरा टाइट है। इसको देखने के बाद आप मशीन को ऑन कीजिए, डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। ये डिस्प्ले ऑन हो गई है, अब आगे का सेटिंग आपको इस बटन से करने हैं। देखिए दोस्तों, जैसे इसकी स्विच ऑन करेंगे, सबसे पहले प्री कूल के बटन को प्रेस करना है, ठीक है। उसको करने के बाद ये ऑटो पे, मतलब इसका पावर ऑन करना है कूलिंग का, ठीक है। देखो ये चलने लगा है अभी चंदर। अब जब फ्लेवर बना के उसमें डालना है, इसमें यहाँ पर भी प्री कूल दिया हुआ है, मतलब आपका जो प्रीमिक्स है वो ख़राब ना हो, इसके लिए इसमें भी कूलिंग सिस्टम के साथ ही है ये बाउल। ये देखो, अंदर जो एयर के बबल से वो बाहर आ रहा है, और जो हमने प्रीमिक्स तैयार किया है वो उतर रहा है, फील हो रहा है अंदर। ये देखो हमने भर जाए, इसको बंद कर देना है। ये दोस्तों, तो ये 2+1 फ्लोर मॉडल है, तो इसमें आपको सबसे पहले पफ को ऑन करना है। पफ लिखा हुआ जो बटन है उसको प्रेस करना है। ये आपका शुरू हो चुका है, चर्नर चिलिंग चैम्बर जो बोलते हैं आप, वो शुरू हो गया है। और अब थोड़ा वेट करना है आपको, जब तक कि ये कूलिंग मेंटेन करे। जो इस तरफ 4.3 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पर, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर 4.3 आ जाएगा, तो समझ लो कि ये रेडी है आपके लिए। ठीक है, तो ये शुरू हो गया है। अब ये जो है फ्लैप, जो ये काउंट करता है कॉर्न की क्वांटिटी, कितने अपने कॉर्न सेल किए हैं। देखिए आप, ये 2 हुआ है, ये राइट हैंड साइड बॉटम में देखिए आपको डिजिट चेंज होते हुए दिखेंगे। ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये काउंट करता है। जब आप लीवर खींचते हैं आइसक्रीम निकालने के लिए, तब ये ऊपर की तरफ जाता है और कॉर्न को काउंट करता है। इसका ये काम है कि काउंट करे कौन को। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कितना आपका पावर सप्लाई है वो दिख रहा है, देखो 220 221। दोस्तों ये 2+1 है, और ये पंप वाला मॉडल है, ग्रेविटी मॉडल जो है उसमें 1 लीटर में 5 कौन कम निकलते हैं, पंप मॉडल में 5 कौन ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि ये एयर की वजह से सॉफ्टनेस भी बढ़ती है और कौन की क्वान्टिटी भी बढ़ जाती है, यानी आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है इसमें। ये 2+1 है, और ये प्री कूल सिस्टम है, यानी आपको रात को अगर प्रीमिक्स बचा है इसमें तो प्रीमिक्स ख़राब नहीं होगा। आप प्रीमिक्स का जो कूलिंग सिस्टम है वो ऑन रखिए, आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे दिन वो ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कूलिंग सिस्टम डबल दिया गया, डबल कंप्रेसर है, इस वजह से इस मशीन में आपको ये फ़ायदा है कि आपको रात को वॉश नहीं करना है। अगर बचा है तो आप प्री कूल का जो कंप्रेसर है उसको ऑन रखिए, और वो दूसरे दिन आप उसको यूज़ कीजिए। देखो दोस्तों, ये प्रीमिक्स तैयार किया हुआ है हमने, और ये 5 लीटर का जार है। अभी हमने दोनों में एक ही फ्लेवर बनाया हुआ है और कम क्वांटिटी में बनाया हुआ है। ये एक फ्लेवर के लिए है, ये दूसरे फ्लेवर के लिए, और बीच वाला जो लीवर है उसमें दोनों फ्लेवर मिक्स आएंगे, तो ये 2+1 इसलिए इसको कहा जाता है। ये जो बटन है
ये प्री कूल का है। अगर आपका प्री मिक्स बच जाता है रात को तो आप इसको ऑन रखिए, इसको ऑफ़ कर दीजिए, ये आपका जो मेन कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा और प्री कूल का कंप्रेसर ऑन रहेगा। तो आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको क्लीन करना है तो बिल्कुल साफ़ कर दीजिए बाउल को, और साफ़ करने के बाद ये क्लीन का बटन पानी डाल के आप दबा दीजिए तो अपने आप वॉश हो जाएगा। ये बेहद फैसिलिटी वाली मशीन है, आपको ऑपरेट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और ये सबसे बढ़िया मॉडल है डबल कंप्रेसर और पंप वाला, जो बेहतर में बेहतर सिस्टम है सॉफ्टी आइसक्रीम के मशीन। किलो प्रीमिक्स जो पाउडर है उसमें 5 लीटर दूध के साथ आप मिक्स करके इसमें बनाओगे तो आपको 70 कौन या कप आपके इसमें से बनेंगे। तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट समझो, जो आपका सेल प्राइस है उससे आपकी कॉस्ट 50% आएगी, आधी आएगी, यानी पैसा आपका डबल होगा। उसमें सारी कॉस्ट गिनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अप्रोक्सीमेटली आपका रेंट है, आपका सैलरी है और लाइट का बिल है, हर चीज़ हमने गिनी हुई है, कौन का प्राइस, सब चीज़ इसमें गिना हुआ है। आपका पैसा अप्रोक्सीमेटली डबल होगा, उसमें जो आपकी कॉस्ट है उससे सेल प्राइस आपकी डबल होगी। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको हमारे पास से मिल जाएगा। और ये जो मशीन है, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए एवरेस्ट कॉरपोरेशन अहमदाबाद गुजरात, आपको हम पूरी जानकारी देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे, इसके बारे में पूरी सहायता करेंगे और आपको हम रेसिपी भी सिखाएंगे किस तरह आपको प्रीमिक्स इसका बनाना है, कितने लीटर दूध डालना है, कौन सा प्रीमिक्स यूज़ करना है। हमारे पास से आपको इसका प्रीमिक्स भी मिल जाएगा, जो बना स्टेबलाइज़र है इसका आइसक्रीम बनाने के लिए जो पाउडर आता है वो भी आपको मिल जाएगा, और अच्छी क्वालिटी का हमारे पास से आपको मिलेगा, बेहतर टेस्ट आएगा और मशीन भी अच्छी क्वालिटी की है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर संपर्क कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा वीडियो देख के कैसा लगा, ताकि हम अपने आप को अपडेट कर पाए और हमारा मोटिवेशन हो सके और नए वीडियो बनाने के लिए और जानकारी वाले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।